हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगी, सेफ होंगी, क्योंकि अभी देखिए हमारे साथ तो कुछ ऐसा दहशत ऐसा हो जाता है सामने कि क्या कह सकते हैं। एक तो ये कोरोना ने परेशान कर रखा है, जीना मुश्किल कर दिया है इसने। पता नहीं कब ये सब जाएगा, जाएगा भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत जीना मुश्किल कर दिया है इसने। ऊपर से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, देखने को मिल रही है, जो कि दिल दहला देने वाली है, जिसके बारे में कल्पना लोग नहीं कर सकता है, जिसके बारे में नहीं सोच सकता है, वो सब चीज़ें हो रही है। तो अब है कि देखने से सामने वाला बंदा इतना खुश लग रहा है। मैं किसके बारे, सुशांत सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने, ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने फांसी लगा ली, इस वजह से मैं कल कोई वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा मन नहीं किया बनाने का। देखिए अब है कि जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप थोड़ा क्लोज से जानते हो, क्लोज से क्या मैं थोड़ी ऐसे मिली, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक होता है कि जिसे अब मैं वो पवित्र रिश्ता में वो वर्क करते थे, पवित्र रिश्ता के एक्टर थे, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं देखती थी उनका, सुनती थी, मतलब वो सीरियल में देखती थी, तो मुझे वो अच्छे लगते थे। अब वो लोग की लाइफ में भी इतनी बड़ी टेंशन है, तो अगर हम लोग, हमारे और आपके लाइफ में है, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। तो मैं तो यही को कहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी आपका फैमिली क्लोज है या जो भी आपको समझ सकता है, उस बंदे से बात कीजिए, उस बंदी से बात कीजिए जो आपके फैमिली में आपको समझ सके। और एक चीज़ और कि अगर ऐसा कुछ कोई फैमिली में नहीं है, तो अपने दोस्तों से, अगर ऐसा फैमिली में नहीं है, तो ऐसा दोस्त जरूर रहेगा आपके साथ, ज़रूर होगा, जो कि दोस्त से आप सब कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। हमारे लाइफ में एक ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर यही। तो देखिए सामने से, देखिए बंदा खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं है। अगर सामने से बंदा देखने में खुश लग रहा है, तो अब देखने में तो वो खुश थे, ऐसा तकलीफ कुछ नहीं लग रहा था कि उनको कोई कष्ट है, लेकिन बताइए कि इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ उनको तकलीफ होगी, तो ही इतना बड़ा कदम उठाए। कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अपने आप को ख़त्म करना कोई मामूली बात नहीं होती है कि कोई इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेगा यूं ही, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना, तो हर एक के लाइफ में टेंशन होती है, हर एक को मतलब परेशानी आती है, हर एक बंदा कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई आर्थिक परेशानी से, किसी न किसी चीज़ से परेशान है ही। कोई ये कह दे कि मैं खुश हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं है या बंदी नहीं है, तो वही होता है ना कि जिससे हर एक बंदा परेशान है, तो कुछ ना कुछ चीज़ से परेशान है, किसी को बता नहीं पा रहा है, किसी को बता नहीं सकता है, तो बताना, ऐसा हमारे लाइफ में होना चाहिए, जिससे कि हम जिससे किस बातें शेयर कर सके और आगे ये सब चीज़ें सुनने को ना मिले। लेकिन ये भी बात है कि अब क्या कहा जाए, अब किसको क्या तकलीफ है, वो अब देखने में तो बाहर से बहुत बेचारा खुश लगते थे, अंदर में उनको कितना बड़ा कष्ट था। अब क्या है, प्रॉब्लम नहीं है वो तो नहीं कर सकते, अब उन्होंने खुद से किया या किसी ने करवाया, ये तो देखिए क्या इसका खुलासा तो होगा, तभी पता चलेगा होगा या भी नहीं, ये भी तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, इस वजह से कल मेरा वीडियो नहीं, मन कर रहा था, मैंने नहीं बनाया कल वीडियो, तो आज ये मेरा छोटा सा क्लिप है। तो चलिए, बाय बाय।